खड़े होकर करतल ध्वनियों से स्वागत अभिनंदन करते हुए और सीधे योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज सहारनपुर पहुंच चुके हैं। लखनऊ से वो सीधे सरसावा एयरबेस पर आए और वहां से सड़क मार्ग के द्वारा अंबाला रोड पर राधा स्वामी सत्संग व्यास में शामिल हुए और इसके बाद सीधे वह जनमंच में पहुंच चुके हैं। जैसा कि उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जनमंच में प्रबुद्ध जनों को, जिसमें वकील होंगे, चिकित्सक होंगे और शिक्षक होंगे, इन लोगों को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रबुद्ध जनों को वो उनसे रायशुमारी करेंगे, मंच को साझा करेंगे। इसके बाद उनका और कार्यक्रम है, वह सर्किट हाउस जाएंगे, पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। माना जा रहा है कि वो निकाय चुनाव के संदर्भ में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के कान फूकेंगे, उन्हें मंत्र देंगे। एक तरह से चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार गंभीर है और इसी सिलसिले में केशव प्रसाद मौर्य का यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वह दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर भी जाएंगे और शाम को 5 बजे उनकी वापसी लखनऊ के लिए है। फिलहाल जनमंच में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पधार चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजीव गुंबर और विधायक देवेंद्र निम, विधायक मुकेश चौधरी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन के अलावा और तमाम सारे पदाधिकारी वो मंच पर मौजूद हैं और तमाम चिकित्सक और शिक्षक अधिवक्ता ये लोग मंच पर के सभागार में पहुंच चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य इनका संबोधन करेंगे। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ मैं अनिंद्र कमल, जनवाणी न्यूज़ सहारनपुर।